नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। जबलपुर के रिछाई मड़ई वार्ड नंबर 76 व्हीकल में रहने वाले सुंदरलाल चक्रवर्ती एवं उनके पुत्र सत्यप्रकाश चक्रवर्ती द्वारा मेन रोड पर जनता के आने जाने वाले आम रास्ते पर अवैध मकान व बाउंड्री वॉल बनाकर अतिक्रमण कर लिया। उक्त रास्ते से प्रतिदिन हजारों लोगों का आना जाना होता है। अतिक्रमण होने से उक्त रास्ते पर ताली एवं स्ट्रीट लाइट नहीं लग पा रही है, जिससे आम नागरिकों एवं वाहन चालकों को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त रोड 30 फुट की थी, जबकि अब महज 8 फुट की बची हुई है। सुंदरलाल चक्रवर्ती एवं उसके पुत्र ने अपने घर के सामने अवैध कब्जा कर मकान एवं बाउंड्री वॉल बना लिया, जिसके कारण उस जगह पर अति आवश्यक सेवा जैसे 108 एम्बुलेंस एवं डायल 100 के वाहन भी नहीं जा पाते। और जब आम नागरिकों द्वारा सुंदरलाल चक्रवर्ती एवं उसके पुत्र को उक्त रास्ते से अवैध कब्जा हटाने के लिए कहा जाता है, तो वह लड़ाई झगड़ा करता है और धमकी देता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सभी को खरीद सकता हूँ। जी बताएं भाई साहब, क्या समस्या आपके? समस्या ये है कि एक जो रोड है रिछाई और मड़ई को जोड़ रही है, रिछाई वाले बोलते हैं कि हम बनाएंगे, मड़ई वाले बोलते हैं कि हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये रोड जोड़ती है। इस चक्कर में ये पिछले 10 से 15 सालों में रेगुलर ऐसे ही पड़ी हुई है, और खाली इसकी समस्या नहीं, पूरी रिछाई में यही हाल है। कोई भी रोड सही नहीं है, कहीं की भी आप फोटो ले लो, कहीं की भी नालियाँ कोई साफ नहीं होती। जब से नगर निगम मिला है जब से तो और हालत ख़राब है। इसकी शिकायत आप अभी कहीं दिए? इसकी शिकायत कहीं से? मैं शिकायत तो कर रहा हूँ, मैंने इसकी शिकायत तो कर रखी है, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है। क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम छमन चक्रवर्ती, मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में काम कर रहा हूँ। क्या समस्या आपके क्षेत्र में? समस्या हम लोग के यहाँ सबसे पहले तो रोड की है, जो रोड है बारिश का पानी इतना भर जाता है, नालियाँ हो गई हैं, गड्ढे हो गए हैं। जो सीवर लाइन खुदी थी उसमें सब गड्ढे खोद के चले गए, चलने में बड़ी दिक्कत होती है। रेगुलर रोड है ये, हमेशा बच्चे जाते हैं, काम वाले जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा दिक्कत है बरसात में। बाकी टाइम तो रहते ही है, इस समय और ज़्यादा दिक्कत है। रोड बनाई जाए, नालियाँ जो खुदी पड़ी है, गड्ढे पड़े हैं, उनको सुधारा जाए। कौन सा क्षेत्र है ये, कहाँ रहते हो आप? ये रिछाई है, बाढ़ के बाद 77 से सुहागी जोन लगता है। क्या नाम है आपका? हमारा उमेश रेकवार, हम प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं रिछाई के। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।